नमस्कार दोस्तों, एके कंप्यूटर्स पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक टूल है हमारे पास में, टूल वही है जो हमारे बायोस एडिटिंग में काम में आते हैं, लेकिन जैसे वो अलग अलग जगह होते हैं उनको जाके हमें ओपन करना पड़ता है, तो एक ही प्लेटफॉर्म से हम उनको ओपन कर पाएँ, उन पर फाइल को ब्राउज कर पाएँ, तो ऐसा ऑप्शन हो सकता है जो हमारा समय बचाता है। और ये जितने भी टूल आ रहे हैं, इससे पहले मैंने आपको कमांड प्रॉम्प्ट दिखाया है ना, फाइल एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस, ऑटो प्रोसेस मैंने आपको वहाँ पर दिखाया है ना, ये सब टूल हमारे स्टूडेंट्स के लिए हैं। और किन स्टूडेंट्स को ये टूल आगे मिलने वाले हैं, जो हमारा बायोस एडिटिंग का बेसिक लेवल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमारा एडवांस लेवल का कोर्स ले लेता है, उन स्टूडेंट्स को हम ये टूल प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि उनको बायोस एडिटिंग तो आ गया है, उनका समय हमें बचाना है ना। तो समय बचाने के हिसाब से ये टूल रेडी हो रहे हैं, जो आगे हमारा काम करेंगे और हमारा समय भी बचाएंगे, काम में हमारे स्पीड लेके आएंगे, काम में हमारे परफेक्शन लेके आएंगे, है ना, इसके लिए टूल बनाए जा रहे हैं। तो अगर आप भी इसमें कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो भी आपके पास आइडियाज़ वगैरह हैं वो दे सकते हैं, है ना। तो जैसे जैसे टाइम निकलता है कुछ ना कुछ चीज़ रेडी होता है, तो आज भी कुछ है। ये हमारे पास बायोस फाइल है, इसको मैं इस पर यूफी टूल पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। इंटेल का इमेज है, डिस्क्रिप्टर रीजन, एमई रीजन, बायोस रीजन, यहाँ पर एमई का वर्जन देख लीजिए इसके अंदर। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, टीएक्सी रीजन है, ठीक है ना। अब कहेंगे इसके अंदर टीएक्सी का कैसे, क्योंकि एमई के अंदर ये वाला वर्जन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका तो उस समय फाइल वगैरह ही नहीं दिया है वन का, तो है ना, तो ये टीएक्सी है। तो यहाँ पर अभी तक भी अपडेशन नहीं हुआ है, इसको एमई रीजन ही बोलते हैं। एमई रीजन से मतलब वहाँ पर एक इंजन फर्मवेयर से होता है जिसके अंदर कोड और डेटा चलता है हमारा, तो इसका तो बाद में बात करेंगे, अभी आते हैं। ये हमारा टूल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ये मेरे पास ओपन है, यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखिए, मैंने जो एम एनालाइजर पर हम कमांड लिखते हैं वो कमांड भी यहाँ पर लिख दिया है ना, इमेज के अंदर देख पा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर डी एफ पी टी लिखते थे तो शो एफ पी टी बी पी डी डी ओ रोम, है ना, इसके बारे में लिखा हुआ, हर कमांड के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस कमांड को कैसे चलाना है, तो हम एम एनालाइजर को ओपन करते हैं, फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, उसके बाद में स्पेस छोड़ के कमांड लिखते हैं, फिर एंटर करते हैं, तब जाके हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट होता है ना। मैं इसको आपको शुरू से बताता हूँ। यहाँ पर देखिए फाइल ब्राउज करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम फाइल को ब्राउज कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए यूफी व्यूअर, मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा यूफी व्यूअर ओपन हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, है ना। देखिए यूफी व्यूअर पे मैंने क्लिक किया तो मेरा यूफी व्यूअर यहाँ पर ओपन होके आ गया है। अगर आपको कोई भी ऑपरेशन करना है, कोई फोल्डर इधर खोल के, तो आप कर सकते हैं। सो क्लोज किया। रिप्लेसर, ये मेरा रिप्लेसर, यहाँ पर वर्जन देख पाएंगे, जो हमारा यूफी टूल है वो टू टाइप्स से आता है ना, व्यूअर और रिप्लेसर। रिप्लेसर में हम फाइल को रिप्लेस कर पाते हैं, है ना। इसके अलावा भी है, फिलहाल तो हम बायोस एडिटिंग में इन दो को ही जानते हैं। यहीं से हम एम एनालाइजर को ओपन कर सकते हैं, ये हमारा एम एनालाइजर ओपन हो गया है। यहीं से हम इंजेक्टर को ओपन कर सकते हैं, बाकी जो ऑपरेशन आपको करना है वो आगे कर सकते हैं। अभी देखिए विद फाइल लेके भी यहाँ से ओपन किया जा सकता है, तो मैं इसी फाइल को ब्राउज करा लेता हूँ। ये फाइल था मेरा, अभी देखिए इसको मैं, इसी फाइल को मैं यूफी व्यूअर पे लोड करता हूँ। देखिए मेरा यूफी व्यूअर भी ओपन होगा और ये देखिए फाइल ऑलरेडी इस पर लोडेड आ गया है, ठीक है। ये मैंने दिखाया था आप उसका वर्जन। अब यही फाइल हमारा रिप्लेसर पे आ जाएगा,
अगर आपको कोई रीजन रिप्लेस करना है तो राइट क्लिक रिप्लेस एज इज, बाकी ऑपरेशन सेम है जैसा टूल आप चलाते हैं। तो टूल का बेसिक नॉलेज तो आपके पास होना ज़रूरी है तभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। ये एक समय बचाने के लिए है और ये ऑलरेडी पहले जिन्होंने टूल दिया है उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं इसके लिए। स्पेशल थैंक्स टू पुल्टोमोनिया। ये मिनालाइजर और ये हमारा फाइल इसके अंदर आ गया है। ये एंटर किया तो देखिए यहाँ पर इसका TXE वर्जन का फाइल है 1.1.0। जैसे चार फिगर जो जानते हैं आप, ये हमारा मेजर माइनर होट फिक्स और बिल्ड वर्जन होता है। प्रोडक्शन एक्सट्रैक्टेड SQ, यहाँ पर SQ क्या है, SQ के आधार पर हम कंज्यूमर कॉरपोरेट को पहचानते हैं, बहुत सारा चीज़ है जो इसमें होता है। यहाँ पर चिपसेट सपोर्ट, ठीक है, ये फाइल लेके हमारा खुल गया है। अभी जैसे हमें यहाँ का बूट पार्टीशन टेबल देखना था इसी फाइल का, तो फाइल तो यहाँ पे ब्राउज किया हुआ है, हम यहाँ से क्या करेंगे, कमांड को सेलेक्ट करेंगे। क्या कमांड था हमारा, DFPT, यहाँ से आपको पढ़ लेना है। और जैसे आप इस कमांड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये इसने फाइल लोड कर दिया, कमांड लिख दिया, एंटर किया और हमारा ये टेबल डिस्प्ले हो गया। देख पा रहे हैं, तो वन क्लिक से काम होता है और इसको भी ऑटो किया जा सकता है, डायरेक्ट आपको एंटर नहीं करना पड़े। लेकिन ये है, आपको वहाँ पर कमांड नज़र आ जाए कि हमने जो कमांड सेलेक्ट किया वही कमांड आया, इसलिए हमने सिस्टम को वहाँ पर रोका है। तो इस तरह के टूल्स का रेगुलरली कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। और ये सारे टूल्स केवल स्टूडेंट के लिए हैं, ये सेल पर्पस से बिल्कुल नहीं बने हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स का समय बचाए इसके लिए रेडी किए जा रहे हैं और इनका कोई मकसद नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।